कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इन कर बोल बाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। आपका बहुत सम्मान करते हैं, हमको मजबूर मत कीजिए। जीते जी विजय उस घर में कदम नहीं रखेगा। एक बात याद रखेगा सतीश बाबू, सीएम और डीएम तो हर चार दिन में बदलता रहता है, लेकिन अमर खान का लोग इस जमीन पर आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। न्याय चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, फैसला तुमको करना है श्रीकांत। बंदूक उठा के अपने बाबूजी के खून का बदला लो या जान बचा के मुंबई भाग जाओ, बस और कोई रास्ता नहीं है। व्यापारी मंडल के धर्मेंद्र गुप्ता को मैसेज दो, हमसे आज ही मिले। इस साला बबुआ का कोनो न कोनो काट निकालना ही पड़ेगा। जो दिन घर में गोर रख लो, ससुर के खा गई, कुछ दिन और यहाँ रहबो तो श्रीकांत तक चबा जाएगा। जे हम कहा था चुपचाप से करा, जितना जल्दी हो सके भाग जाए घर से। बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम शहर में नहीं है, घर के लोग को भी नहीं। ठीक है, तुमको एक चीज देना है, बाबूजी का है, आज ये थाना से छुड़ा के लाया। आप ही रखिए, हम क्या करेंगे इसका। हथियार सिर्फ दूसरा को मारने के लिए ही नहीं होता है, कभी कभी अपनी रक्षा के लिए भी जरूरी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ श्री, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जिसका डर था वही हुआ ना, अब तुम भी अपने बाप की राह पे चलने की तैयारी कर रहे हो? ये तो होना ही था कि तुम्हारी रकम में भी तुम्हारे बाप का धंधा खून दौड़ता है। जिसका बाप इतना बड़ा बाहुबली था तो उसका बेटा बाहुबली कैसे नहीं बनेगा? प्लीज दिशा, वॉट प्लीज श्री, वॉट प्लीज। मैं जानती हूँ कि एक क्रिमिनल का बेटा सिर्फ क्रिमिनल बन सकता है, तुम और कुछ नहीं बन सकते श्री, कुछ नहीं बन सकते। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? निशा, you go from here. मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाद में नहीं श्री, अभी इसी वक्त बात करो मुझसे। प्लीज निशा, गो। आई एम नॉट गोइंग श्री। और तुम मेरी बातें कान खोल कर सुन लो, कि मुझे एक क्रिमिनल की पत्नी होना मंजूर नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो। मैं पागल हूं, पागल हूं मैं। पागल नहीं होती तो क्या मैं तुमसे प्यार करती, शादी करती मैं तुमसे? तो मुझे से मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है और इस आखिरी निशानी को मैं खत्म करूंगी। निशा, 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 निशा। अरे सुकांत, काबिल दुल्हन के काम है लो। ये लेकर आप हो, देखो दुल्हन के काम हो गए। हे ठाकुर जी, अरे हम दरन लगल भाई घर के, रोजे कुछ ना कुछ होते रहला। अरे रितेश भाई, ये तो नहीं खान, बाबू कहीं बाहर गए पड़ा। दरन, अरे निकलो, दरन जल्दी आ। सीताराम, सीताराम, कितना समझावली, भाग जाए यहाँ से। डॉक्टर साहब, आ रही डॉक्टर साहब। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, नर्स पेशेंट को तुरंत आईसीयू ले जाओ और सलाइन स्टार्ट करो फास्ट। वो संभाल के आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आपके दिल में, भरोसा रखिए। जी बुआ जी, नहीं आवा जल्दी। अरे तनी हमने बात सुना, ये रितेश आइलैंड के ना? ना, कहाँ आइलैंड है? देखा था, 12 बज गए, ना
जाने कहाँ बैठल बा। एक को घड़ी चैन से ना जिए दे लइका। ए ममतवा, वो अस्पताल से उ लोग के कोनो खबर आई कि ना? ना, कोनो खबर नहीं थी। सीताराम सीताराम जा सुत जा, कुछ ना हो उस उगली के कनकट घैला बा, जल्दी थोड़ी फूटी। जा सुत जा तू जा। सब कुशल मंगल है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अभी तो आप मिठाई खिलाइए, दादी बनने वाली हैं आप। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो। ए जल्दी जल्दी आप क्या देख रहा है, जाकर जाकर बहुत मिठाई लेके आओ। आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं, मामूली सी चोट है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस।
आपके पास। अच्छा हम लोग यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर। शिकास पापा के फोन करो। पापा दिल्ली गए बाहर। माँ रितेश के पता होंगे कि जान ना बची। रितेश के रितेश भैया को फोन लगाते हैं। कोतवाली में फोन लगाते हैं। कहाँ फोन मिला है? कोतवाली थाना। अरे अब कुछ आगे भी बोलेगा कि कोतवाली कोतवाली करता रहेगा। हमको कुछ लोग मारने का कोशिश कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? नाम बोल। हम श्रीकांत बोल रहे हैं, अमरकांत जी के लड़के। कहाँ से बोल रहे हैं? हम चिड़ई गली से बोल रहे हैं। चारों तरफ से घेर लिया हमको। हेलो हेलो है कट गया। आज बकरी का शिकार हुई है क्या रहेगा। चलो अच्छा है, कल बब्बन लाल जी के यहाँ भोज भाज का पक्का इंतजाम हो गया। चलो हम लोग जैसे निकलते हैं। थोड़ी देर सर का सामान। हाँ श्री पापा, हम लोग फंस गए। पापा के लोग ने चारों तरफ से घेर लिया हमको। कहाँ हो तुम? हम लोग उपकार सिनेमा के पीछे वाली गली में। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? निशा सीढ़ी से गिर गई थी, उसको और माँ को लेकर अस्पताल गए थे, वहीं वो लोग ने छेक लिया हमको। रितेश कहाँ? रितेश भैया को फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। कोतवाली फोन किए थे पर पुलिस अभी तक पहुँची नहीं है। वह तो बेवकूफ़ी कर दिया तुम। कोतवाली फोन नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, बात ध्यान से सुनो, घबराना मत और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलकर दूसरा जगह पर पहुंचो। हम तुमको थोड़ी देर में फोन करते हैं, ठीक है? हेलो बाबा, बाबा हेलो, हम बाबा बोल रहे हैं। हमारा बात ध्यान से सुनो, हम अभी दिल्ली में हैं। श्रीकांत भाभी और निशा को लेकर अस्पताल गया था। रास्ते में बब्बन का लोग उसको छेक लिया है, उसका जान खतरे में है। अरे हम भाभी को वचन दिए हैं कि श्रीकांत को कुछ नहीं होगा। अगर उसको कुछ हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम हमारा बात सुन रहे हो ना? देखो हम बहुत प्यार किए हैं तुमको, बस एक बार हमारा मदद कर दो, जिंदगी भर हम तुम्हारा गुलाम बनते रहेंगे। जो कहोगे सो करेंगे। अगर श्रीकांत का कुछ हो गया तो मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा। घर में कोई है कि नहीं? लखन जी, खाना लगावा। ये लखनवा कहाँ है? वो तो श्रीकांत भैया के साथ अस्पताल गए बन। अस्पताल का भाई? अरे ये घर में तो रोजे कुछ ना कुछ होते रहेला। वो श्रीकांत के मेहरारू के माथा फाट गए बा, मतारी साथ लेके अस्पताल गए बाड़न। हम आवत हैं। अरे रुका, तू कौन मुंह में तो डाल लिया पहला। आओ बैठा 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 यहाँ बैठा। और बिना जाके का करबा? हां जे होए के रहे से तो हुईया गइल। ओरे जइया बैटरीओ का भैया जाके इतनी चार्ज में लगा दे। ए ममता, तनी खाना लेके आवा। कोई आया तो नहीं था ना?
छोटे सरकार, शिकार हाथ लगा के नहीं। आप बकवास कर रहे हो, कैसा शिकार, कौन शिकार? अरे छोटे सरकार, हम भी बहुत दूर का खबर रखते हैं। विजयकांत बाबू का फोन आया था। क्या बोला? मिमिया रहा था, क्या करें? फोर्स लेके पहुंचे हैं। कोनो जरूरत नहीं है। देखिए रात बहुत हो गया है, कोतवालिए में आराम कीजिए। हंसी कटेगा तब ना भोज का नोता मिलेगा। भूल मत जाइएगा हम गरीब को। अरे निश्चिंत रहिए, समझा ना? पहले ये बताइए वो है कहाँ? गांधी चौक के पास वाली गली चिरैया गली में है वो। नेता पूजे, जनता पूजे, इन कर ही कानून।